टिकट न देकर के हमारा अपमान लोग किए हैं, मेरे साधना का अपमान किए हैं, इसलिए अपमान को मैं चुनौती समझता हूं और कोशिश करूंगा कि बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी ना मिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक और विधायक बागी हो गया है। असल में बलिया के बैरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने टिकट कटने के बाद बगावती तेवर अपना लिए हैं और उन्होंने बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कि दिल्ली वाले भले टिकट सुरेंद्र सिंह को नहीं दिए हैं, लेकिन द्वावा का दिल, द्वावा के लाखों लोगों का दिल जो है हमको टिकट दिया है और जनता के उसी दिल के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के दिल से ही, मैं आशीर्वाद से ही मैं चुनाव जीतूंगा। और आपको मैं बता रहा हूं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा और सपा बसपा को तो टक्कर दूंगा ही दूंगा, उसका तो जमानत जब्त करा कर छोड़ूंगा। जोगी जी के नज़दीक रहने वाले और जो जोगी जी के जो विशेष भक्त लोग थे और सहयोगी लोग थे स्वभाव से, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। दरअसल बलिया जिले में 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, वहीं बलिया नगर और बैरैया को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन जब बीजेपी ने सूची जारी की तो बैरैया विधायक सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया था। वीरेंद्र सिंह मस्त जो है भू माफिया है, 50 बीघा जमीन पशु मेला की जमीन, 200 वर्षों से पशु मेला लगता है, सुदेश बाबा पशु मेला लगता है, और उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, बताइए। और उसको मैं रोक देना यदि अपराध है तो ऐसे अपराध को मैं स्वीकार करता हूं, और इसको यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व अपराध मानता है तो मान लेना कि सुदेश बाबा की जमीन को बचाना यदि अपराध है तो सुरेंद्र सिंह अपराधी है, हमको कोई चिंता। मैं किसी का फेवरेट नहीं हूं, जब मेरा अपमान हो गया मुझको टिकट, मैं याचना करके टिकट मांगू, मैं 60 वर्ष की उम्र है मेरी, मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, मेरा पुत्र खुद ही अध्यापक है, मेरी पुत्री भी अध्यापिका है। अब बताओ मेरे भाइयों, जहाँ शिक्षा की गंगा बहती होगा, हम जा करके अब पैर छुए और सेवा करने के लिए विज्ञापन भरे, ये हमारे बस की बात नहीं है। गौरतलब है कि सुरेंद्र सिंह बीजेपी के काफी चर्चित विधायक हैं, साथ ही अलग अलग विषयों पर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।